फिजिकली अब हमारा एक्सपेरिमेंट 6 है जो कि हमारा इसके ऊपर स्टार्ट होगा प्रोटीज पे, ठीक है, जो कि हमारा क्लैंपिंग सर्किट, पहले हमने किया था क्लिपिंग, अब है हमारा क्लैंपिंग, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बिकम फैमिलियर विद फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, एंड ऑपरेशन ऑफ क्लैंप, मतलब ये ऑपरेट क्या करता है, कैसे करता है और इसका फंक्शन क्या है, ये हमने आज स्टडी करना है, ठीक है। तो ये इसके इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। रेजिस्टर्स चाहिए इसके लिए, कैपेसिटर चाहिए, डायोड चाहिए। अच्छा, जो आपका क्लिपर था ना उसके अंदर आपका कैपेसिटर रिक्वायर्ड नहीं था, जबकि इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर एक कैपेसिटर ऐड अप हो गया क्लैंपर में, जबकि क्लिपर में कैपेसिटर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई हुई या फिर इसी सप्लाई आ जाएगी और आपका एक फंक्शन जनरेटर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ये एक्सपेरिमेंट बताता हूँ किस तरह परफॉर्म करना है आपने। अब पहले समझ जाते हैं क्लैंपर होता क्या है। अ क्लैंपिंग सर्किट इज यूज टू प्लेस आइदर द पॉजिटिव और नेगेटिव पीक ऑफ सिग्नल एट डिजायर्ड लेवल, मतलब क्लैंपिंग करता क्या है कि आपके जो डीसी लेवल है उसको पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट करता है या उसको नेगेटिव लेवल पे क्या करता है वो शिफ्ट करता है, मतलब इसने क्लिप नहीं करता, जैसे आपका डीसी लेवल अप एंड डाउन करता है, मतलब इसमें एम्पलीट्यूड आपका क्लिप नहीं होगा, एम्पलीट्यूड आपका वही रहेगा, ठीक है। जिसके होगा आपका लेवल शिफ्ट हो जाएगा, आप पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट होगा या आपका अपर साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। डीसी कंपोनेंट सिंपली एडिट और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इनपुट सिग्नल, द क्लैंपर इज ऑल्सो रेफर्ड आईसी रजिस्टर एंड एसी सिग्नल शिफ्टर। अब इसमें दो तरह के क्लैंपर होते हैं, एक होता है टाइम्स ऑफ क्लैंपिंग, अ क्लैंप सर्किट एज अ पॉजिटिव एंड और नेगेटिव डीसी कंपोनेंट टू द इनपुट सिग्नल और इट पुश टू द आइदर पॉजिटिव साइड और द नेगेटिव साइड, मतलब इसके यहाँ डीसी कंपोनेंट होता है जो कि इसको पॉजिटिव साइड में शिफ्ट करता है या इसको नेगेटिव साइड के अंदर शिफ्ट करता है, तो ये होता है हमारा क्लैंपर। अब आगे नेगेटिव क्लैंपर क्या होता है, ठीक है, यह हमारे पास क्या साइन वेव दे दी इनपुट सिग्नल, ठीक है। अब पॉजिटिव क्लैंपर क्या होगा, ये इसका नेगेटिव पीक है, इसको भी कर देगा पॉजिटिव साइड पे क्या कर देगा शिफ्ट कर देगा, मतलब देखो नेगेटिव साइकिल क्या कर दिया इसने, अप डाउन अपवर्ड क्या कर दिया शिफ्ट कर दिया डीसी लेवल ने, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया क्लैंपर, मतलब इसके अंदर क्लिपर में क्या होता है, यहाँ से हमारी क्या हो जाती थी क्लिप हो जाती थी, जबकि क्या कर दिया इसने नीचे वाले लेवल जो है, नीचे वाले 2 वोल्ट जो है इसने अपवर्ड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऊपर भी 2 वोल्ट है और नीचे हमारे पास क्या है 2 वोल्ट, तो मतलब पीक टू पीक मास हो गया 4 वोल्ट, जबकि नेगेटिव 2 वोल्ट भी इसने क्या कर दिया यहाँ पे पॉजिटिव अपर साइड पे क्या कर दिया इसे लेवल शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारे पास होता है पॉजिटिव क्लैंपर। और नेगेटिव क्लैंपर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इसकी भी 2 वोल्ट है पीक टू पीक और नीचे वाली भी क्या है -2 वोल्ट है, तो +2 वोल्ट -2 वोल्ट क्या बन गया 4 वोल्ट, तो मतलब क्या किया इसने पॉजिटिव 2 वोल्ट क्या कर दिया इसने नेगेटिव 2 वोल्ट पे नीचे शिफ्ट कर दिया, मतलब नीचे आगे ये माइनस पे शिफ्ट कर दिया, मतलब ये क्या हो गया इसका नेगेटिव क्लिपर क्लैंपर, जबकि इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारा सेम रहता है, वो क्लिप नहीं होता है, जबकि क्लिपिंग में हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है क्लिप हो जाता है, तो ये इसमें बेसिकली डिफरेंस है, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व, ये हमारे पास सपोज एक एग्जाम्पल थी, ठीक है, इसमें क्या थी इनपुट दी, कैपेसिटर लगाया हुआ है, डायोड है, एक हमारे पास क्या है ये है सप्लाई है डीसी सप्लाई और ये क्या है रजिस्टर है। सबसे पहले हम देखेंगे और इसने इनपुट दिया +10 और -10, मतलब इनपुट दिया इसने 20 वोल्ट पी टू पी इनपुट दिया, ठीक है। अब होगा क्या, जब हमारे पास +10 वोल्ट आएगा तो हमारा सबसे पहले कंडक्ट क्या करेगा डायोड, किस तरह कंडक्ट करेगा, जब हमारी इनपुट जो है वी आई ग्रेटर देन 4 वोल्ट, मतलब इस वोल्टेज से हमारी जब इनपुट ग्रेटर होगी तब जाके करेगा हमारी ये क्या करेगा कंडक्ट करेगा, ठीक है। जो हमारी जो है +10 वोल्ट क्या है पॉजिटिव साइकिल है जो कि इस फोर्स से बड़ा है, तो क्या करेगा हमारा डायोड यह कर देगा कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो हमारी जो कैपेसिटी क्रॉस वोल्टेज है वो इस तरह फाइंड करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लूप इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। ये इसे लूप लगाया हुआ है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वी आई यहाँ से स्टार्ट किया, सॉरी यहाँ से स्टार्ट कर लो -4 वोल्ट -VC और +VI, ठीक हो गया। तो इसने इस तरह सॉल्व किया तो VC का वैल्यू निकाली, जो निकाली इसने 6 वोल्ट, ये हमारे पास क्या कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज चार्ज हो चुका है 6 वोल्ट, ठीक है। अब क्या होगा, अब सेकंड में क्या होगा, जब हमारे पास -10 वोल्ट आएगा तो -10 में क्या होगा, ये हमारे पास नेगेटिव साइकिल आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा डायोड रिवर्स बायस, क्योंकि नेगेटिव साइकिल में क्या होगा इसका जो नेगेटिव है वो इसका पॉजिटिव से कनेक्ट है और इसका पॉजिटिव है वो इसका नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रिवर्स बायस हो जाएगा डायोड, ठीक है। तो रिवर्स बायस होगा तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या होगा पूरा लूप हम लेंगे फिर, ठीक है। तो लूप किस तरह लेंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे -V0 -VC, ये फिर आएगा हमारे पास +VI, तो क्या करेंगे यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज निकालें V0 निकालने के लिए क्या करेंगे VI-VC करेंगे, ठीक है। अब VC हमारे पास चार्ज था, कितना चार्ज था 6 वोल्ट हमारे पास क्या था चार्ज हो चुका था, ठीक है। अब जबकि यहाँ पे क्या है V1 VI है, ये हमारा VI क्या होगा
जब हमारे पास यहाँ पे 10 वोल्ट आएगा मतलब पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा हमारे पास, ये देख लो आगे। तो हमारे पास क्या आएगा वी आई माइनस 6 वोल्ट इक्वेशन आउटपुट फिटिंग द आउटपुट वेव फॉर्म। सो व्हेन वी आई इज प्लस 10 देन आउटपुट इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इट विल बी प्लस 4 सो ओनली प्लस 4 वोल्ट यू गेट एंड सिमिलरली व्हेन आउटपुट इज माइनस 10 व्हेन आउटपुट इज माइनस 10 सो इट विल बी माइनस 10 माइनस 6 इट विल गो टू अप टू माइनस 16 So here, this is positive peak. Negative peak will be minus 16. Again, positive peak will be plus 4. Negative peak will be minus 16. Like this. So the output. अब देख लो इसमें क्या किया इसने। जब हमारे पास प्लस 10 था मतलब पॉजिटिव साइकिल था प्लस 10 वोल्ट का, तो क्या करेंगे यहाँ पर 10 माइनस 6 कितना आ गया 4 वोल्ट, मतलब पॉजिटिव साइड पे क्या आ गया हमारे पास 4 वोल्ट। ठीक है, अब जब हमारे पास नेगेटिव साइकिल आएगा वो आएगा हमारे पास माइनस 10 का, जब यहाँ पे माइनस 10 पुट किया तो क्या आएगा माइनस 16, ये हमारे पास क्या आ गया माइनस 16, तो क्या बन गया प्लस 4 माइनस 16 कितना हो गया 20 वोल्ट। तो जबकि इनपुट पे हमारे पास क्या थी 20 वोल्ट थी और आउटपुट पे क्या आ गई हमारे पास 20 वोल्ट। इसमें क्या होगा हमारे पास डीसी लेवल शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड, ठीक हो गया, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो गया हमारे पास शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था क्लैंपिंग सर्किट था, क्योंकि इसमें हमारी भी क्लैंप और जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो क्लिप नहीं होता, जबकि क्लिपिंग में हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है क्लिप होता है। तो ये इस पर बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब जाते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट था सेम वही सर्किट था। ठीक है, प्लस 2 वोल्ट हमने इनपुट दिया 4 वोल्ट पीक टू पीक, ठीक हो गया। हमारे पास सम जब जब हम लेंगे जस्ट हम लेंगे पॉजिटिव पीक लेंगे, जब हम 2 वोल्ट लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे ये क्या करेगा यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे क्या करेगा कंडक्ट करेगा, तो कंडक्ट करेगा तो यहाँ पे हम लगाएंगे लूप इक्वेशन जैसे हम पीछे बताइए। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे माइनस वी आई प्लस वी सी प्लस 0.7 डायोड का वोल्टेज ड्रॉप, तो क्या होगा 2 माइनस जब करेंगे 0.7 तो क्या आएगा हमारे पास 1.4 वोल्ट अक्रॉस वी सी, हमारे पास वी सी आ जाएगा 1.4 वोल्ट। और जो वी नॉट आएगा वी नॉट लेंगे हम इस डायोड के अक्रॉस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0.7 ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है 0.7 ड्रॉप, तो हमारी आउटपुट क्या आ रही होगी 0.7 वोल्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7 वोल्ट। ठीक है, अब कैलकुलेट द लेवल वी नॉट आफ्टर वी आई स्विचेस टू अदर लेवल एंड टर्न द डायोड ऑफ, मतलब जब हमारे पास नेगेटिव साइकिल आएगा, पहले हम ले लिया पॉजिटिव 2 वोल्ट अब हम लेंगे इसका नेगेटिव 2 वोल्ट, जब नेगेटिव साइकिल में आएगा तो क्या होगा ये हमारे पास ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास ओपन सर्किट हो गया तो हमारे पास ये पूरे वाला हम लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या करेंगे माइनस 2 वोल्ट सॉरी माइनस वी आई प्लस वी सी प्लस वी आर, ठीक हो गया, माइनस वी आई कितना था जहाँ से, हाँ माइनस वी आई आ गया यहाँ पे प्लस वी सी आ गया और प्लस आ गया वी नॉट, जहाँ से हमने वी नॉट निकाला तो जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास जाके बस वी सी पहले स्टोर था 1.4 प्लस 2 तो क्या बन जाएगा आपके पास 3.3 वोल्ट, तो आपके पास ये आ रही होंगी आपकी नेगेटिव साइड के अंदर। एक मिनट क्लियर करके बता देता हूँ आपको, तो मतलब आपका 2 + 1.4 आपको 3.3 या 3.4 वोल्ट मिल रहा है, तो आपके पास वी नॉट यहाँ पे इस तरह शो हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो आपका वी नॉट क्या था 0.7 जब आपका पॉजिटिव साइकिल था, तो पॉजिटिव साइकिल में वी नॉट क्या था 0.7, ये आपका 0.7 आ गया। ठीक है, अब नेगेटिव साइड जब आपका रिवर्स वाइज हुआ था तो क्या होगा आपका माइनस 0.3.3 वोल्ट, तो सेम आपका यहाँ पे माइनस 3.3 वोल्ट क्या नीचे हो गया शिफ्ट, ठीक हो गया। तो ये आपका था क्लैंपिंग सर्किट। ठीक है, अब ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉर्म किया है, यहाँ से आप देख सकते हो मैंने वही कैपेसिटर लिया, डायोड लिया और रेजिस्टर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे बैटरी शो नहीं की। ठीक है, और परफॉर्म होगा आपको दिखाता हूँ क्या आएगी इसकी रीडिंग्स, तो ये बस शो हो गया। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने इनपुट थी येलो वाली, इनपुट थी येलो, तो क्या आ गया आपके पास 2 वोल्ट पीक टू पीक और ये नीचे आ गया माइनस 2, मतलब आपके पास 4 वोल्ट इनपुट दी पीक टू पीक। ठीक है, और जब आपने आउटपुट ली तो आउटपुट लेने के लिए क्या करोगे आप, तो आपके पास क्या आ रही है ब्लू वाली की आपकी आउटपुट है, येलो वाली आपकी इनपुट है, तो यहाँ पे आ रही है आपके पास 450 मिली वोल्ट, मतलब 0.4 वोल्ट आपको मिल रहा है पॉजिटिव साइकिल में,
जो नेगेटिव साइकिल में मिल रहा है आपको मिल रहा है माइनस 3.55, तो मतलब 0.45 प्लस 3.55, तो मतलब आपको बन रहा है 4 वोल्ट पीक टू पीक। तो मतलब क्या होगा आपका डीसी लेवल, क्या हो गया इसके अंदर शिफ्ट हो गया। तो ये चीज़ आपने सब अंदर वेरीफाई करनी है, ठीक है। बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स है इसकी जो है आगे रीडिंग्स है वो आपने खुद लेनी है, मैंने बता दी किस तरह रीडिंग्स यहाँ से लेनी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने मैश एनालिसिस लगाना, लूप वाला लगाना है, ठीक है, उसके थ्रू आपने यहाँ से कैलकुलेट करनी सारी रीडिंग्स, ठीक है। ये आपका हो गया पार्ट खत्म एक, ठीक है। अब सेम करेंगे आप इसके लिए एफ पार्ट के, अगर रिवर्स डायोड, मतलब आप डायोड को रिवर्स वाइस में लगा देंगे, मतलब ऑपोजिट साइड में लगा देंगे, तो क्या होगा ये शिफ्टिंग हो जाएगी, -0.7 नीचे आ जाएगा, 3.3 क्या हो जाएगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ 3.4 आना चाहिए, 3.3 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आपका देखो यहाँ पे क्या रिवर्स हो गया, 0.7 नीचे आ गया और 3.3 क्या हो गया अपवर्ड शिफ्ट हो गया, तो ये आपका हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग ऑफ डायोड में, ठीक है। अब डीसी बैटरी साथ लगा देंगे, जो आपको मैंने ऊपर एग्जांपल करवाई है, ठीक है, ये आप लोग खुद करोगे, ठीक है, किस तरह ये यहाँ कहना, ठीक है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, कुछ भी नहीं है। अब क्या कहते हैं, जस्ट आप इनपुट पे क्या कर दोगे, आप साइन वेव दे दोगे, बाकी वो सेम है इसके अंदर, कुछ भी नहीं, जस्ट साइन वेव देनी है आपने इसके अंदर, ठीक है। वही आपने यहाँ पे वही सेम आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे रीडिंग्स आ जाएंगी वही साइन वेव के साथ, ठीक है। अब क्या कर देंगे इफेक्ट ऑफ आर, अब डिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो क्या होगा वो आपको खुद नोटिसफाई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तो आपका एक्सपेरिमेंट था, तो ये आपने यहाँ तक परफॉर्म करना है और सब सारी यूनिट्स मुझे सेंड करनी है, ठीक है।